सन 2001, दक्षिण राजस्थान। आदिवासियों का पारंपरिक त्योहार गवरी चल रहा है। ये कहानी हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और पुरानी मान्यताओं की नहीं, ये कहानी एक आह्वान है जो शुरू होती है काजल की कोठरी से। हमारी ये कहानी चार किरदारों की है। इन्होंने आज घर की चार दीवारी से बाहर आ अपने हक की लड़ाई लड़ी। कमलाबाई, छोटी यादव, बसंती पालीवाल, सुशीला गमेती। आज इनकी कामयाबी राजस्थान की हवाओं में महक रही है। एंजेला जोशी सेवा मंदिर की उन कार्यकर्ताओं में है जो कई सालों से उदयपुर से 62 किलोमीटर दूर तलई गांव का यह सफर तय करती है। ये एंजेला के प्रयासों का ही नतीजा है कि कल तक घूंघट में रहने वाली कमला आज चरनौट की रखवाली के लिए जा रही है। आज चरनौट पर रखवाली की उसके परिवार की बारी है। बैल पकड़े गए और पंचायत ने यह फैसला सुनाया कि बैलों के मालिक राजमल को 22 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। चरनौट पर ही नहीं, पंचायत ने हर उस काम पर जुर्माना लगाया जो गांव के हित में नहीं था। बात चरनौट की रखवाली की हो या फिर पंचायत की, कमला आज गांव के विकास के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तलई गांव में आज जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इनके पीछे गांव के लोगों की बरसों की मेहनत और लगन थी। कई साल पहले शुरू हुए साक्षरता अभियान का यह परिणाम था कि आज गांव में मिनी लाइब्रेरी बन चुकी है। सामुदायिक भवन बना जिसकी छत के नीचे रात को कक्षाएं चलती और दिन में गांव के विकास की योजनाएं बनती। गीत, नाटक, नौटंकी, सभी माध्यमों का सहारा साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किया जाने लगा। वहीं एंजेला जैसे प्रेरकों ने भी गांव की निरक्षर औरतों को पढ़ाने का काम जारी रखा।
जिसका नतीजा था गांव में चल रहा शक्ति महिला समूह, जिसमें आज 60 से भी ज्यादा महिला सदस्य हैं, जो अपनी ही जमा की गई रकम से अपनी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। इसी बीच शक्ति महिला समूह ने एक निर्णय लिया कि गांव में एक पंप सेट लाया जाए और उसे किराए पर जरूरतमंद परिवारों को दिया जाए। विचार नेक था, सो आ गई गांव में मोटर यानी पंप सेट। लेकिन समय के आगे किसकी चलती है, पंप सेट चला तो कम, खराब ज्यादा रहने लगा। उसे बाजार में ठीक कराने का खर्चा सो अलग। दूसरी ओर औरतों ने पुरुषों के साथ मिलकर ग्राम कोष भी बनाया। चरनौट, पानी पर बांध, अच्छी फसल के लिए बीज, अब गांव के विकास के कामों के लिए इसी ग्राम कोष से पैसा दिया जाता है। यहां तक कि अकाल के समय ग्राम कोष ने गांव में अनाज भी बंटवाया। गांव वालों का पैसा अब उन्हीं के विकास में काम आने लगा और इसका असर दिखा उनके गीतों में भी। ये जीत सिर्फ कमला की नहीं, ये जीत एक विचार की है। ऐसा ही विचार शायद हमारी कहानी के इस किरदार के मन में भी पल रहा है, छोटी यादव, जिसने घर की चारदीवारी से बाहर निकल आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की और छोटी आज अपने मकसद में सफल भी हुई। ये कहानी छोटी की कामयाबी का दिलचस्प सफर भी है। उदयपुर से 11 किलोमीटर दूर बसा है दिलवाड़ा, एक छोटा सा गांव, और इस गांव का यादव मोहल्ला। छोटी इसी मोहल्ले में रहती है। आज छोटी के साथ साथ इस मोहल्ले की हर औरत ने आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया और निकल पड़ी औरतें हाथ में कढ़ाई का काम लिए। बहू को रोकने वाली सास आज उससे पहले सेंटर पहुंचती है। कढ़ाई के काम से डरने वाली ये औरतें आज इस काम में माहिर हो गई हैं और अब तो ये इस काम को खूबसूरत अंजाम भी दे रही हैं। यही कढ़ाई का काम इनकी आय का सबसे अहम हिस्सा बन गया है, जिससे इनके परिवार के हालात भी सुधरे हैं। लेकिन ये बदलाव, ये हुनर एक दिन का नहीं, बल्कि इन औरतों की बरसों की मेहनत और लगन का नतीजा है। घर से बाहर काम सीखने निकलना इन महिलाओं के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा था। लेकिन धीरे धीरे 2 से 4 हुई, 4 से 10, और फिर कारवां बनता चला गया। काफ़ी परेशानियां इस काम से जुड़ी हुई रहीं। शुरुआत में तो ग्रुप ट्रेनिंग से ही अगर महिलाओं को घर से बाहर निकालना था तो रेगुलर एक मीटिंग में आना बिल्कुल अलग चीज़ होती है, एक ट्रेनिंग पीरियड में जब स्किल सीखना है रेगुलर आना, तो उसी में हमारी संख्या में काफ़ी उनको बनाए रखना, उसको सिखा पाने में हमें काफ़ी परेशानी है। ये काम हमने खुद ने कहीं से सीखा था और फिर सिखा रहे थे, तो एक गैप था इसके अंदर, ट्रेडिशनली वर्क नहीं है, तो ग्रुप की संख्या आधी रह जाती है। मतलब अल्टीमेटली फाइनल होते होते 10% 20% तो शुरू में कट जाती है, एंड देन ईयर अगर देखें तो आप 50 से 60% रिजल्ट रहते हैं। तो एक तो बहुत बड़ी कठिनाई है कि महिलाओं की संख्या, जो टिक के मेहनत करने वाला मास है वही रुक पाता है इंटरेस्ट,
और जो जस्ट हॉबी टाइप कर रहे हैं तो वो न तो अर्न करता है न वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। दूसरा, जैसे जैसे हमने प्रोडक्शन भी अगर करवा लिया तो मार्केट का इसका जो सेकेंड है वो बहुत ही डिफिकल्ट है कि अगर जब तक मार्केट न मिले जो चीज़ हम बना पाते हैं उसी तरह का कस्टमर ढूंढना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ये सारा करके सीखे हम लोग। पर अब परिस्थितियां बदली हैं। दिलवाड़ा में इन्हीं औरतों के आज 3 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। 2.5 रुपए रोज की मजदूरी से ये काम शुरू हुआ था। अब ये औरतें इसी काम से अच्छा पैसा कमा रही हैं। इस काम से हुई आय का कुछ हिस्सा ये अपने बचत समूह में जमा करने लगी। आज समूह की जरूरतमंद औरतों को यहाँ लोन दिया जाता है। बन ही गया बहनों का संगठन, जब बन ही गया बहनों का संगठन, इसको मजबूत बनाने का वादा करो, इसको मजबूत बनाने का वादा करो। 4 दिन की सहेली सहेली। और फिर एक दिन इस समूह ने निर्णय लिया सेवा मंदिर साधना से 100 सौदे का, जिसका बीड़ा उठाया छोटी यादव ने। छोटी की जिंदगी का आज सबसे खास दिन था। सेवा मंदिर से मिले काम को छोटी समय से पहले ही जमा कर रही थी। उसका काम साधना द्वारा देखा गया और सराहाया गया। सेवा मंदिर साधना से छोटी ने अपने पहले 100 सौदे का पैसा लिया। आज उसकी जीत की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। आत्मनिर्भर बनने का ये सफर जितना मुश्किल था, उसकी मंजिल उतनी ही खूबसूरत साबित हुई, जिसका अंदाजा कोई भी इनके काम से लगा सकता है। इस कहानी में ऐसे किरदार भी हैं जो आज इन गांव वालों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। बसंती पालीवाल। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों को तय करती हुई बसंती जी पहुंची गोडान, एक पिछड़ा आदिवासी गांव। बसंती जी के प्रयासों से इस गांव में महिलाओं ने अपना स्वयं सहायता समूह बनाया है। ये कहानी आज से 23 साल पहले शुरू हुई, जब बसंती पालीवाल ने स्वयं सेवी कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। महिलाओं को साक्षर करने के साथ साथ उन्होंने उनके हक की लड़ाई लड़ने का जो पार्ट तब शुरू किया था वो आज भी बरकरार है। उनका मानना है कि महिलाएं भी इस पुरुष प्रधान समाज में सम्मान की हकदार हैं। महिलाएं घर से बाहर निकलती नहीं थी, पुरुष लोग भी उनको दबाते थे कि महिला को घर के बाहर जाकर क्या करना है, आपको मीटिंग बैठकर आपको क्या करना है, हम तो पुरुष लोग हैं, हम जाकर के आपको बता देंगे। तो पुरुष लोग कहीं भी जाए, पंचायत में जाते हैं या पंचायत समिति जाते हैं या कहीं मीटिंग होती, तभी कभी महिला को नहीं बुलाते थे। वो तो सिर्फ अपनी ही बात करते थे कि भाई आज किसी महिला को नाते देना है या कोई पंचायत का कोई काम आता तो महिला को कोई जानकारी नहीं थी। तो काफ़ी महिला बाहर नहीं निकलती थी, पुरुष लोग आने नहीं देते थे, तो काफी महिला को मेरे को समस्या थी, महिला बाहर नहीं आती थी। अपने इस अभियान में उन्होंने गांव-गांव जाकर औरतों में शिक्षा का प्रचार किया। बसंती जी ने उन्हें आजादी
और आत्मसम्मान का एहसास दिलवाया। खुद उन्होंने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए। बड़गांव उदयपुर की महिलाओं का समूह, जिसकी नींव खुद बसंती जी ने रखी और आज भी वो इस समूह के कामों को खुद ही देखती हैं। 22 साल पुराना ये समूह आज भी उसी भावना और लगन से बड़गांव की महिलाओं के बीच चल रहा है। अब पुरानी पीढ़ी की जिम्मेदारी नई पीढ़ी संभाल रही है। काम चाहे दूर दराज गांव में जाकर औरतों के हक का हो या फिर उनके बैंक से लोन या पैसे निकालने का, बसंती जी और उनके प्रेरक साथी किसी भी काम को उसके अंजाम तक बखूबी पहुंचाते हैं। तीनों महिलाएं जो हैं, तीनों अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, तीनों बारी बारी से। कभी कभी तो उनके काम का दायरा कितना है इसका अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। एक बार बसंती जी अपने प्रेरक साथियों और गांव की महिलाओं को लेकर गुजरात भुज के दौरे पर निकल पड़ी। औरतें जब वापस आईं, तो उनमें काम करने का जोश था। अपने इस दौरे से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। गोढ़ान की महिलाओं ने भी यह निर्णय लिया कि वो लोग भी गांव में एक ऐसा टैंक बनाएंगे जिसमें कि बरसात के पानी को इकट्ठा किया जा सके और फिर वो पानी गाँव वालों के काम आ सके। समूह के पैसों की मदद से ये काम भी हुआ। समस्याएं तो ऐसी बहुत थीं, पर गांव की औरतों ने फैसला किया कि पहले वो उन समस्याओं को दूर करेंगी जिसमें गांव का विकास हो सके। तो पहला मुद्दा उठा शराब बंदी का। शराब जैसी बुराई अगर खत्म हो तो गांव के हालात काफी हद तक बदल सकते हैं। गांव में शराब के विरोध में एक नाटक करवाया गया जो काफी हद तक सफल भी रहा। गोडान में आए इस बदलाव का नतीजा ये रहा कि आज औरत घर से बाहर आ समाज में, पंचायत में अपनी बात कह सकती है। महिला सेल्फ आत्मनिर्भर बनेगी, आत्मसम्मान उनको मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा महिला का। तो मुझे विश्वास है कि महिला अब नारी शक्ति जो एक पहले कहते थे कि महिलाओं को, महिला पहले पूछते थे, फिर बीच में तो कुछ ऐसा हो गया कि क्या है महिला, कुछ नहीं है, ये तो पांव की जूती है, ये क्या समझती है, इसके पीछे दिमाग तो पीछे है। पर अब वो बात नहीं रही है, अब महिला जो कहती है समाज उनकी बात सुनता है, गाँव में समूह वाले इसकी बात सुनते हैं, पुरुष लोग इसकी बात मानते हैं और उनकी बात को महत्वता देते हैं और महिला कहीं ना कहीं उसके स्थान पर महिला आई है। बसंती पालीवाल का 23 साल पहले शुरू हुआ ये सफर लगातार चलता ही जा रहा है। हर गांव उनकी राह का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। पहाड़ी पथरीले रास्तों से गुजरता ये रास्ता जाता है गांव करावड़ी की ओर। दो मोटे चूहे, दो मोटे चूहे, दो मोटे चूहे, दो मोटे चूहे, दौड़ रहे थे, दौड़ो बिल्ली बोली म्याओ म्याओ, बिल्ली बोली म्याओ म्याओ, ना बिल्ली ना, ना
तुझे मार डालूंगा। यहाँ हमारी कहानी का वो किरदार है जिसने करावड़ी में औरतों के हक की आवाज उठाई, सुशीला गमेती। सातवीं तक पढ़ी सुशीला ने अपने साक्षर होने का सही मायना दिया अपनी सूझबूझ और सेवा मंदिर की मदद से। सुशीला ने गांव में महिलाओं का एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया गया बापा रावल महिला बचत समूह। यह केवल महिला बचत समूह ही नहीं था बल्कि यह एक ऐसा मंच था जहां से सुशीला औरतों के हक की लड़ाई लड़ना चाहती थी, गांव के विकास की बात गांव वालों तक पहुंचाना चाहती थी। आज बचत समूह में पैसा तो जमा होता ही है, इसके साथ साथ औरतें यहां गांव के विकास पर चर्चा भी करती हैं। धीरे धीरे औरतों के हालात सुधरने लगे। अब जरूरत थी तो इन औरतों को साक्षर बनाने की ताकि कल ये अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सके। ये औरतें साक्षर हुई तो इसका असर भी गांव पर दिखने लगा, जो एक दिन होना ही था। चूंकि सीधी सी बात है, साक्षरता से जागरूकता आती है और जागरूकता से विकास, जो आज गांव करावड़ी में देखा जा सकता है। आज यहाँ महिलाओं ने गांव में खाद के गड्ढे, सामुदायिक पशु घर तो बनवाए ही, साथ ही गांव के विकास के बहुत से काम भी करावड़ी में चल रहे हैं। एक दिन इस समूह की औरतों को पता चला कि गांव के पास की जो जमीन इन्होंने चरनौट बनाने के लिए चुनी है उस पर दूसरे गांव के आदमी ने कब्जा कर लिया है और फर्जी जमीन का पट्टा भी उसके पास है। फिर क्या था, बुलाई गई समूह की बैठक और फैसला सुना दिया गया। बढ़ते कदमों से उठ रही बस एक ही आवाज है, बदलेगा कल, बदल रहा आज है।